पंजाब ईंट भट्टा पे मजदूरी करने वाले मजदूर ने अपनी झोपड़ी में फांसी लगा ली, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों को लगी तो वहीं जांच पड़ताल करने पर पंजाब भट्टे पे गए मीडिया के कई सवालों से कतराते रहे वहां के मजदूर। कई घंटे बाद मजदूर का पता लगाया गया। मृतक के सर से ब्लड निकला हुआ दिखाई पड़ रहा था, सर से खून निकल रहा था। शक है कि कहीं मारपीट तो नहीं हुई है। सत्येंद्र कुमार पिता महेंद्र कुमार उम्र 40 साल निवासी अहमदपुर जिला शामली, कई सालों से पंजाब ईंट भट्टे पर कच्ची ईंट भराई का काम करते थे। ठेकेदार की पत्नी ने बताया कि मैं रात को अपनी झोपड़ी से काम से जा रही थी तो देखा कि सत्येंद्र एक नारियल की रस्सी पे पाइप से लटका दिखा तो अपने लड़के को बुलाया। लड़के ने पुलिस को शाम के 5 बजे सूचना दी। पुलिस सुबह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SHO धीरज शुक्ला ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठो इसमें, 3-4 लोग जो जाओगे बैठो फटाक से, जल्दी बैठो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।